ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। बस गाइस आप लोग जब वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, एंड गाइस इस वीडियो में जो हमारा कलर करेक्शन वाला जो पार्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गाइस मिस मत करना, वीडियो कंप्लीट वॉच करना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गाइस आज के इस नए वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करें। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप सभी को जाना है यहाँ से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को, ठीक है। तो गाइस जैसे कि मेरा मॉडल आप सभी को दिख रहा है गाइस, जिसमें थोड़ी सी मेरे को एडजस्टमेंट करनी होगी, ठीक है। जैसे गाइस यहाँ पे शैडो कम है, मतलब बहुत ज़्यादा है मेरे मॉडल में, तो शैडो को बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो पहले तो हम यहाँ मॉडल को अच्छे से रख लेते हैं। एंड शैडो को यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए हमें जाना है एडजस्ट वाले ऑप्शन में, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा शैडो का ऑप्शन। आपको गाइस इसको ऊपर की तरफ बढ़ा देना, मतलब आपकी फोटो में जितनी शैडो ज़्यादा हो उसके हिसाब से आपको इसको बढ़ा लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या करना आप सभी को, आप सभी को इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पे जाना है इरेजर टूल में। जैसे कि यहाँ पे मेरा कुछ पार्ट जो इरेज करना रह गया अभी, ठीक है। जैसे कि हाथ पे कुछ पकड़ रखा था भाई ने फोटो क्लिक कराते वक्त, तो इसको मैं यहाँ पे फटाफट इरेज कर लेता हूँ। देन आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। सो गाइस जितना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, आप लोगों को जाना है ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद आपको यहाँ पे स्वॉर्ड का पीएनजी लेना है, ठीक है, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इसको यहाँ पे ऐड करने के बाद जो आपको क्या करना है, आपको गाइस पहले तो अपने हैंड के पास इसको अच्छे से एडजस्ट करना है, मतलब कि आपको देखना है कि आपको यहाँ पे कहाँ तक रखना है अपने हैंड में, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे ओपेसिटी कम करना है इसका, ताकि जो इरेज करने में ईजी हो जाए। तो पहले आपको यहाँ पे इसका साइज पहले देख लेना आपको कितना रखना है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ओपेसिटी कम करना है फिर। एंड ओपेसिटी कम करने के बाद आपको इरेजर टूल में जाना है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा आपको उसको फटाफट से यहाँ पे इरेज कर देना है। इतना हो जाने के बाद गाइस आपको ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे एक लाइट का पीएनजी मिलेगा, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे ग्लो करना है, इसको कैसे करना है वो आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन करके आपको अपनी फोटो में ऐसा एडजस्ट करना है। देन उसके बाद आपको ब्लेंडिंग मोड में जाना है। उसके ब्लेंडिंग मोड में जाने के बाद आपको ऐड वाला जो ऑप्शन है आपको उसको रख लेना है। एंड उसके बाद जो इसकी ऑपोजिट यहाँ पे आपको कम कर लेनी है, ठीक है। अभी गाइस आपको ये येलो लग रहा होगा, बट गाइस अभी हम इसको ऑरेंज करेंगे, वो हम करेंगे लाइट रूम ऐप में। तो कैसे करना वो भी आपको मैं बताऊंगा वीडियो में, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखना, ठीक है, आपको इस हिसाब से रख दे रहे हैं। देन उसके बाद आपको जाना है ऐड फोटो में, गाइस यहाँ से एक पार्टिकल का पीएनजी ऐड करना है, जो कि आपको यहाँ पे गाइस आपको इस वर्ड के आसपास लगाना है। तो उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, स्क्रीन कर देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ से चले जाना है इरेजर टूल में। इरेजर टूल में जाने के बाद इसको इन्वर्ट करना, ब्रश का साइज जो आपको यहाँ पे गाइस कर देना है, ओपेसिटी हार्डनेस कम कर देना है, साइज को अपने हिसाब से रख लेना है। देन उसके बाद आपको चारों तरफ जो है पेंट करना है कुछ इस टाइप से, ठीक है, इस तरीके अच्छे तरीके से एकदम, मतलब कि मस्त लगनी चाहिए फोटो। फिर उसके बाद इतना हो जाने के बाद आपको अपनी फोटो यहाँ पे डन कर देना है, क्योंकि गाइस अब हमारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं है फोटो में। तो अभी इसको हम डन कर देते हैं, एंड इसको यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं, ताकि जो है मतलब इसके लाइटर मैप में ले जाके एकदम अच्छे से एकदम मस्त फोटो बना सके। तो अभी हमने इसको सेव कर लिया, लाइटर मैप को ओपन कर लिया, एंड फोटो को भी ऐड कर लिया है। तो अब चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट लाइट में, एंड यहाँ से जाएंगे मिक्स में, ऑरेंज और येलो कलर लेंगे, एंड इसको ऑरेंज करेंगे यहाँ पे ह्यू को माइनस करके। देन उसके बाद हम ऑरेंज कलर लेंगे, इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस कर देंगे, एंड उसके बाद जो ह्यू है इसको भी थोड़ा प्लस की तरफ कर देंगे। एंड इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको कर देना है डन। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी वाइब्रेशन आपको इंक्रीज कर देनी है, एंड इसके बाद जो टेम्परेचर इसको भी थोड़ा सा कम कर देना है। एंड उसके बाद चले जाना आपको नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज कर देनी है, फोटो में विग्रेट डाल देना अपने फोटो के अकॉर्डिंग। देन नीचे स्क्रॉल करना आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। चले जाना नीचे वाले टूल में, आपको फोटो की शार्पनेस इंक्रीज कर देनी है, फोटो में नोट रिडक्शन डाल देना है। एंड उसके बाद आपको मिलेगा कलर नोटिफिकेशन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो फाइनली हमारी फोटो एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।